गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने आईसी इंजन के टॉपिक्स को डिस्कस किया था और हमारा इस यूनिट का न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ था, जिसको आज हम देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अ फोर सिलेंडर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन 2500 आरपीएम इज डेवलपिंग 23.5 किलोवाट इफ mean effective pressure is 8.5 bar and mechanical efficiency is 85%. If stroke length is 1.5 times of a cylinder diameter, find cylinder diameter and stroke. हमें निकालना है cylinder diameter number 1 और number 2 हमें निकालना है stroke. ठीक है, दो चीज़ें हमें निकालनी है। जब भी हम numerical बनाते हैं हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि हमें समझ में आए कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, अब फोर सिलेंडर, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितना है, फोर है। टू स्ट्रोक, अब हम यहाँ पे फार्मूला किसका लगेगा, टू स्ट्रोक का लगेगा, पेट्रोल इंजन का। ठीक है, फिर देखिए 2500 आरपीएम, 2500 आरपीएम ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, 2500 आरपीएम, इसके बाद डेवलपिंग 23.5 किलोवाट। तो जनरली जो पावर होता है वो ब्रेक पावर हम मानते हैं, सिलेंडर पावर मानते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर का पावर बता रहा है। तो सिलेंडर पावर हो गया 23.5 किलोवाट। उसके बाद इफ मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 8.5 बार, मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा कितना है, 8.5 बार है। इसको हमने क्या किया, बार को हमने कन्वर्ट कर दिया है पास्कल में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या फिर आप इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। तो एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10^5 पास्कल होते हैं या फिर 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, दोनों लिख सकते हैं हम। फिर है एंड मैकेनिकल इफिशियंसी 85%, हमने मैकेनिकल इफिशियंसी भी यहाँ पे लिख लिया 85%। परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, 100 से जब इसे हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 0.85। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि स्ट्रोक लेंथ इज 1.5 टाइम्स ऑफ सिलेंडर डायमीटर। स्ट्रोक लेंथ, लेंथ को एल से डिनोट किए और ये किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स ऑफ सिलेंडर डाया के बराबर है। ओके, अब हमें क्या क्या निकालना है, सिलेंडर डायमीटर निकालना है एवं स्ट्रोक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया निकालने का तो सिंपल सा फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाई फोर डी स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए। तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, तो अभी हमें डी का वैल्यू नहीं मालूम है सिलेंडर डायमीटर का, क्योंकि सिलेंडर डायमीटर तो हमें निकालना है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया पाई बाई फोर को, आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको 0.785 डी स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं, हमें मिला हुआ है मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटिव पावर होती है, इंडिकेटेड पावर होती है। तो मैकेनिकल इफिशियंसी हमारा 0.85 है, यहाँ से हमने ले लिया इसे। ब्रेक पावर हमें 23.5 किलोवाट मिला तो इसे भी ले लिया हमने। इंडिकेटेड पावर जो है ये अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो इंडिकेटेड पावर यहाँ आ गया और 0.85 से जब 23.5 को डिवाइड किया हमने तो हमें मिला 27.64 किलोवाट। ओके, अब देखिए इंडिकेटेड पावर का क्या फॉर्मूला है, के पी एम लॉन बाई 60 × 1000 टू स्ट्रोक। ठीक है, इंडिकेटेड पावर हमारा आ गया 27.64 इक्वल टू फोर सिलेंडर था तो के का वैल्यू हमने ले लिया 4, है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सिलेंडर। तो जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उनके वैल्यू आपको लेने हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको उसको 1 लेना है। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर 8.5 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार में जब भी होगा 10^5 से इंटू कर देंगे। ओके, लेंथ, स्ट्रोक लेंथ हमारा 1.5 डी, एरिया 0.785 डी स्क्वायर इंटू एन, एन हमारा 2500 आरपीएम है, 2500 आरपीएम वो हमने रख दिया, डिवाइडेड बाई 60 × 1000। ओके, और जब आप इसे कैलकुलेटर में रखेंगे इन सारी वैल्यूज को और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस डी का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस डी का वैल्यू जो है वो आपको जब आप कैलकुलेटर में इन सारी वैल्यूज को रखेंगे पुट करेंगे तो आपको लास्ट में फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 0.054 मीटर। देखिए यूनिट का हमें विशेष ख्याल रखना है, अगर यूनिट्स गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारे काफी नंबर्स कट जाते हैं। 10 में
जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें 2 to 3 नंबर्स तो नॉर्मली काटते हैं, कहीं कहीं पे 4 to 5 नंबर्स भी काट देते हैं। तो डायमीटर हो चाहे लेंथ हो उसको आपको मीटर में लेना है। ओके, फिर देखिए हमें स्ट्रोक लेंथ निकालने के लिए भी क्वेश्चन में बोला था सिलेंडर डायमीटर के अलावा। तो स्ट्रोक लेंथ निकालने के लिए जो ये हमारा फॉर्मूला बना था 1.5D, इसी को हमने रख दिया यहाँ पर, और डी की वैल्यू 0.054 हमने रखी, तो लेंथ का वैल्यू हमें मिल गया 0.081 मीटर। तो इस तरह से हमने निकाल लिया स्ट्रोक लेंथ और डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डीजल इंजन हैविंग 40 किलोवाट इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर हमको मिल गया कितना, 40 किलोवाट। क्वेश्चन को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना है हमें, ठीक है, ताकि कहीं पे भी कोई भी टर्म छूटे ना, एक एक वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटेड पावर इज कंज्यूमिंग 9.6 केजी पर आवर, इसका मतलब क्या है, ये है मास केजी पर आवर, इसका मतलब है मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन, मतलब कितना केजी फ्यूल कंजम हो रहा है हमारा, यूज हो रहा है हमारा। तो एक घंटे के में 9.6 केजी हो रहा है, और 9.6 एक घंटे में हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा, तो एक घंटे में हमारा 60 मिनट होता है और एक मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, एक घंटे में हमारे हो जाएंगे 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मास ऑफ फ्यूल में जब 9.6 को हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो हमें वैल्यू मिलेगा वो केजी पर सेकंड में मिलेगा। ओके, क्योंकि अगर इसको हम आवर में लेते तो यहाँ पे आवर लिखते, पर अब हमने इसको किस में ले लिया, सेकंड में ले लिया है, तो पर सेकंड 3600 हो गया। ओके, अब आते हैं, इफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 4500 केजी पर किलो जूल पर केजी, तो कैलोरीफिक वैल्यू हमने ले लिया 4500 किलो जूल पर केजी। ओके, फिक्शन पावर इज 8 किलोवाट, तो हमने फिक्शन पावर यहाँ पे ले लिया 8 किलोवाट। ओके, अब हम आते हैं हमें क्या क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए पहले तो हमें बोला गया है कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकालिए, सबसे पहली चीज NI ईटा आई, फिर नंबर 1 दिया हुआ हमें ईटा भी, इसका मतलब है हमें ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालनी है, और नंबर 3 जो है वो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमें निकालना है। ये सारे फार्मूला तो मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, आप कल के लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इन फार्मूलाज को, तो इसी से हमारे इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। तो ये वैल्यूज हमने लिख लिया जो वैल्यूज हमें ऊपर से मिले। अब देखिए आईपी है एफपी है, तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है आईपी माइनस एफपी। ओके, तो आईपी था 40, फ्रिक्शन पावर था 8, तो ब्रेक पावर हमें मिल गया 32 किलो वॉट। ओके, अब हम आते हैं इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकालने के लिए। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी जब हमें निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल MF into CF, IP है 40, MF है 9.6 divided by 3600 और CF है 4500 kilojoule per kg। ओके, इन सारे values को जब हमने रखा और calculator से इसे solve किया तो हमें मिला 0.3333। अब क्योंकि ये efficiency है तो efficiency को हम percentage में show करते हैं, तो जो भी value मिली होती है इसमें 100 को into कर दीजिए, 100 को into कर दीजिए, तो 100 को into करने से हमें मिला 33.3%। ये हो गई हमारी indicated thermal इफिशियंसी। फिर ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला सेम है, आईपी की जगह में क्या आ जाता है, यहाँ पर बीपी आ जाता है, तो बीपी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ 32, तो इस 32 को यहाँ रख दीजिए, तो 32 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 9.6 इंटू 4500, तो इससे हमें वैल्यू मिल गया ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का 0.266। अब इसमें हमने अगेन 100 का इंटू कर दिया तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 26.6%। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए आपको मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर करना होगा, तो मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन जो है हमारा वो यहाँ पर आपको किलो आवर में लेना है, ठीक है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको 9.6 ले लिया है। अब ब्रेक पावर जो हमारा है वो है 32 जो हम निकाल चुके हैं, तो 9.6 ये किलो आवर में है ना, केजी पर आवर में, इसीलिए इसको हमने 3600 से डिवाइड नहीं किया। अब जो वैल्यू मिली हमें वो कितनी मिली, 0.3 स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारा हो गया 0.3 केजी पर ब्रेक पावर इनटू आवर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आते हैं इस यूनिट के हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, इसके बाद इन 3 क्वेश्चंस के बाद
आपको जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और उसमें जो भी डाउट्स होगा वो हम जूम क्लासेस में, शनिवार को हम जूम क्लासेस लेंगे, है ना। पिछली कुछ क्लासेस हमारी छुट्टी थी क्योंकि एडमिशन वर्क चल रहे थे और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, मैं भी छुट्टी में था और मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, तो मैं आपके कुछ जूम क्लासेस नहीं ले पाया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड अब के जूम क्लासेस में आप जो भी आपके जो भी डाउट्स पिछले छूटे हुए हैं और जहाँ से भी आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से हम इस सब्जेक्ट को रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर अ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। अब यहाँ नंबर ऑफ सिलेंडर्स नहीं बताया है, ओके अभी तो फिलहाल नहीं बोला है, नीचे देखते हैं। फॉर अ टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए, टू स्ट्रोक डीजल इंजन है ये, इसमें सिलेंडर डायमीटर हमें दे दिया है 20 सेंटीमीटर, इंजन स्पीड जो है वो हमें दे दिया है 400 आरपीएम, स्ट्रोक लेंथ हमें दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर क्योंकि ऐसा यूनिट्स में हमें मीटर में काम करना होता है, ओके। ब्रेक डायमीटर हमें दे दिया है 1 मीटर, मेन इफेक्टिव प्रेशर दे दिया 3 बार, नेट ब्रेक फोर्स दे दिया 600 न्यूटन, डीजल कंजप्शन दे दिया 4.6 केजी पर आवर, कैलोरी फ्यूल कंजप्शन दे दिया है 10500 किलो कैलोरी पर केजी। निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, मैकेनिकल इफिशेंसी और ब्रेक थर्मल इफिशेंसी, ये चार चीजें हमें निकालनी है। वन बाई वन हम नोट करते हैं, सिलेंडर डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अभी यहाँ पर तो नहीं किया पर जब कैलकुलेशन पर्पस में रखेंगे तो इसे मीटर में डिवाइड करेंगे, तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में फिर कितने मीटर हो जाएंगे, डिवाइड कर देना है आपको 100 से, तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगी, ओके। देखिए लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, स्ट्रोक लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दिया हमने 0.3 मीटर, उसके अलावा ब्रेकडाउन डायमीटर हमें 1 मीटर दिया हुआ है तो इक्वल टू 1 मीटर हमने ले लिया, मीन इफेक्टिव प्रेशर हमें 3 बार दिया हुआ है तो हमने 3 बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वैल्यू हमें आ गई 3×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर है डब्ल्यू माइनस एस, नेट ब्रेक फोर्स, नेट ब्रेक फोर्स क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, नेट ब्रेक फोर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 न्यूटन, तो हमने इसको किलो न्यूटन में बदल लिया है, ब्रेक फोर्स आपको किलो न्यूटन में लेना, तो 0.6 किलो न्यूटन। फ्यूल कंजप्शन हमें दिया हुआ है 4.6 केजी पर आवर, इसको सेकंड में हमने बदल लिया 3600 से डिवाइड करके, कैलोरी फ्यूल का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो 10500 किलो कैलोरी पर केजी, ओके। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमें देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए हमें बोला है, इंडिकेटेड पावर निकालने का फार्मूला जो है वो क्या है, के पी एम लॉन डिवाइडेड बाई 60×1000, तो के जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ सिलेंडर हमें नहीं बताया तो हम इसको 1 ले लेंगे, पी एम जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर ये हमारा है 3×10⁵, तो ये हमने ले लिया 3×10⁵। फिर स्ट्रोक लेंथ जो है एल, एल जो है ये है हमारा 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर हमने ले लिया। उसके बाद एरिया जो है पाई बाई 4 डी स्क्वायर से निकलता है, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 0.2 आ गया, 100 से डिवाइड कर दिए तो 0.2 स्क्वायर × 400 डिवाइडेड बाई 60×1000। जब इसको सॉल्व किया हमने, इस पूरे क्वेश्चन का आप कैलकुलेटर में रख के जब सॉल्व करेंगे तो आपको आईपी की वैल्यू जो मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है 18.84 किलो वॉट, ओके। पहली चीज़ हमारी निकल गई। बीपी निकालने का क्या फार्मूला है, जब नेट ब्रेक फोर्स वगैरह दिया होता है क्वेश्चन में तो डब्ल्यू माइनस एस इंटू पाई डी इंटू एन, एक्चुअल फार्मूले में यहाँ पर स्मॉल डी हमें नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल डी को यूज करेंगे, ओके। कैपिटल डी यहाँ पर हमारा है, कैपिटल डी हमारा यहाँ पर है ब्रेक ड्रम डायमीटर 1 मीटर, तो ब्रेक ड्रम डायमीटर हमने रख दिया 1। अगर दूसरा सिलेंडर डायमीटर दिया होता तो उस फार्मूले को हम यूज करते हैं 2D-D/2 करते हैं, ओके, जो मैंने लास्ट फार्मूला में आपको बताया है। एन जो है यहाँ पर जो हमारा आरपीएम है वो हमने यहाँ पर लिया है, कितना लिया है, एन लिया है हमने 400 लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ एन का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, तो देखिए इंजन स्पीड दिया हुआ है 400 आरपीएम, ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया 400, लेकिन ये आरपीएम है, ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, आरपीएस चाहिए, तो आरपीएस जब हम करने के लिए जाएंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 60 से, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे 600, आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से, जब आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे, ओके, ये जीरो बाई मिस्टेक आ गया है, जब आप 60 से डिवाइड करेंगे
तो आपको वैल्यू मिलता है 12.56 किलोवाट। नंबर थ्री है ब्रेक मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर है 12.56, इंडिकेटेड पावर है 18.84। तो 12.56 डिवाइडेड बाय 18.84 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 0.666। ओके, और जब भी हम इफिशियंसी को फाइनल वैल्यूज लिखते हैं तो परसेंटेज में लिखते हैं, इसलिए इसे क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रहा है 66.6%। एक आखिरी बच गया है हमारा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हम इसे बना चुके हैं। तो ब्रेक पावर हमारा आ गया है 12.56, ये हमने ले लिया। मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन कितना है हमारा, 4.6 केजी पर आवर था, तो इसे 4.6 डिवाइडेड बाय 3600 ले लिया है। ठीक है, इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कितना, 10500 किलो कैलोरी पर केजी है। तो 10500 इनटू 4.18 करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल का जो यूनिट हमें लेना है वो किलो जूल पर केजी में लेना, पर यहाँ पर क्या है किलो कैलोरी पर केजी। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि किलो जूल पर केजी होना चाहिए, यहाँ कभी कभी किलो कैलोरी पर केजी आ जाता है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ जिसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एग्जाम में फिर कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो कैलोरी को जब आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.18 जूल होता है। राउंड फिगर में आप इसको 4.2 भी ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। 4.18 अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 4.2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4.18 हमने यहाँ पर ले लिया, आप चाहें तो 4.2 भी ले सकते हैं। तो जब हमने इन सारे वैल्यूज को रखा और कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिलता है 22.37%। 22.37% कब आएगा, जब फाइनल वैल्यू में आप 100 का इंटू कर देंगे। तो इस तरह से हमने आईसी इंजन के तीनों क्वेश्चंस को बना लिया है और नेक्स्ट क्लासेस में हम एयर कंप्रेसर को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप मुझे नो डाउट कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप किसी भी समय मुझसे फ़ोन कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्या डाउट है, ये डाउट है सर मुझे, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे आईसी इंजन के, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। प्लस मेरा ये मानना है कि मैंने जो आपको तीन क्वेश्चन कराए हैं, अगर इन तीन क्वेश्चंस को भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, समझ लिया कि कहाँ पे हमें केजी पर सेकंड करना है, कहाँ पे हमें केजी पर आवर करना है, कहाँ पे हमें आरपीएम करना है, कहाँ पे हमें आरपीएस करना है, ये चीज़ें अगर आपने अपने माइंड में रख ली तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में आप तैयारी कर लीजिए, कुछ क्यूबिक क्वेश्चंस बना लीजिए, फिर जो भी डाउट होगा हम शनिवार को जूम क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको कुछ अर्जेंट लगता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लासेस के लिए इतना ही, थैंक यू।